अभी टाइम करीब 6:30 हो रहे हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं, नई कार रुकी है, 1 घंटे से रुकी है। गाइस वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से ट्रैवल करेंगे एक नई जर्नी के साथ। तो क्या है जर्नी वो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आज हम ट्रैवल करेंगे आनंद विहार टर्मिनल टू दरभंगा जंक्शन बाय गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि पहले चलती थी ICF कोच से, पर अब इसको चेंज करके LHB कर दिया गया है। तो हमारी जर्नी इसी LHB कोच में होने वाली है, 3rd AC इकोनॉमी। तो फटाफट चलते हैं स्टेशन, और बाकी आपको आगे की ट्रेन की इन्फॉर्मेशन हम स्टेशन पर देंगे। चलो मिलते हैं स्टेशन पर। आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जो सीन है कुछ इस टाइप से है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जो है मऊ आनंद विहार सुपर फास्ट लगी पड़ी है, और अपनी जो जयनगर गरीब रथ है वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 इस पे आएगी, और फुल्ली LHB कोच है। तो बहुत ही मजा आएगा इस जर्नी में, बने रहिएगा। गाइस आज का जो हमारा जर्नी होने वाला है वो है 3rd AC इकोनॉमिक में, क्योंकि गरीब रथ को चेंज कर दिया गया है और सभी में ICF की जगह LHB कर दिया गया है, और सभी में 3rd AC इकोनॉमिक लगा दिया गया है। तो हमारी फर्स्ट जर्नी है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और फुल जर्नी दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। और ट्रेन जैसे ही आएगी अराइविंग और डिपार्चर दोनों ही दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है जयनगर गरीब रथ आ चुकी है आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और गाजियाबाद का WAP-7 के साथ आई है हमारी ट्रेन ऑन टाइम, और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि फुल्ली LHB हो चुकी है। ये देखिए जयनगर गरीब रथ पूरी, मतलब पूरा ICF को हटा के LHB कर दिया गया है, और पहले जो दिक्कत होती थी साइड मिडल का अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब चलते हैं फटाफट अपने कोच में, हमारा जो कोच है वो था G15। तो दोस्तों अंदर का जो कोच है वो कुछ इस टाइप से है, मतलब पूरा 3rd AC इकोनॉमी है, और इकोनॉमी का मतलब तो आप जानते ही हो क्या है, थोड़ी सीट छोटी है बस। और अपने समय से 7 मिनट देरी के साथ हमारी जो जयनगर गरीब रथ है वो आनंद विहार प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकल चुकी है, और वैसे तो ट्रेन टाइमली पहुंचा देती है, मैंने इसका पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया था। तो देखते हैं कब तक हमें ये पहुँचाती है दरभंगा। वैसे तो दरभंगा पहुंचाने का टाइम इसका अगले दिन दोपहर में 12 बजे है, तो देखते हैं कब तक पहुंचाती है। तब तक आप इंजॉय कीजिए डिपार्चर। तो दोस्तों लगभग 130 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन, और ये इसका पहला स्टॉपेज है। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, तो वैसे भी उतर के कोई फ़ायदा नहीं है, उतना बड़ा स्टेशन भी है ही नहीं। तो और वैसे भी टाइम हो चुका है, करीब 7 बज गया है, तो अब अंधेरा हो रहा है, तो बाहर निकल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो मैं बाहर से ही स्टेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी हो गया है रात के 9 बज गए हैं, और कुछ ही देर में कानपुर आने वाला है, तो उसको स्किप करेंगे क्योंकि अब रात हो चुकी है, तो सोते हैं, बिस्तर भी लगा लिया हमने अपना। तो फिर मिलते हैं सुबह जहां खुलती है, तब तक के लिए गुड नाइट। और कोच का जो हाल है कुछ इस तरीके से है। तो हमारे कोच में ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, जिनका जिनका सीट है बस वही लोग है, और उतना भीड़ है नहीं। तो मेरे को एक चीज़ और मुझे पता नहीं है कि वेटिंग इस ट्रेन में अलाउड है कि नहीं है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हमारी आँख खुली है और हम पहुँच चुके हैं पटना में, जो कि बिहार में पड़ता है, और
पटना का जो स्टेशन कोड है वो PNB है और पटना के एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी आनंद विहार गरीब रथ नहीं जयनगर गरीब रथ लगी पड़ी है। तो फटाफट दिखाते हैं फिर आपको डिपार्चर। और अभी हमारी आँख खुली है, अभी टाइम करीब 6:30 हो रहे हैं। और दोस्तों पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी जयनगर गरीब रथ खड़ी थी और पटना का जो प्लेटफॉर्म था काफ़ी अच्छा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे को बस सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मैं विजिट किया हूँ पटना। और गाइस हमारी ट्रेन जो है एकदम टाइमली है, लेट नहीं है, 5-10 मिनट लेट है और पटना भी ऑन टाइम ही पहुँचाई है। रात में हमने कानपुर और दोनों स्टेशन स्किप कर दिए थे क्योंकि नींद आ गई थी और अब जाके 6:30 बजे हमारी नींद खुली है। तो अब बाकी के दो स्टेशन आते हैं, फिर कोशिश करते हैं दिखाने की। और अपनी डिपार्चर हो चुका है पटना जंक्शन से ऑन टाइम, बिल्कुल 6:27 पर। पटना के बारे में बताऊँ, पटना वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो गाइस अब हम आ चुके हैं जयनगर गरीब रथ के वॉशरूम में और सबसे पहले मिरर देखो कितना गंदा है गाइस, ठीक है। और ये देखो धूप करके एकदम बेकार कर दिया गया है, लिक्विड सोप है अभी इसके अंदर, ठीक है। और बाकी वॉशरूम की कंडीशन जो है एकदम बेकार कर दी गई है, लोगों ने एकदम मतलब जैसे ही आनंद विहार से चली थी तो ठीक थी, अब बिहार आते आते पूरा खराब हो चुका है वॉशरूम, दिखाने लायक नहीं है। तो दोस्तों अब हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है मोकामा रेलवे स्टेशन। मोकामा रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूं तो ये छोटा सा स्टेशन है, कोई बड़ा स्टेशन है नहीं और बाहर मैं निकल नहीं सकता क्योंकि हो रही है बारिश और आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म पे पूरा पानी भर गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं 2 मिनट का ही होल्ट है, तो अपनी ट्रेन यहाँ 2 मिनट ही रुकेगी। बच्चों के लिए बच्चों वाली किताब 50 रुपया, मेडिकल किताब 100 रुपये किताब, तो मोकामा से निकलने के बाद अब हमारी गाड़ी जो है वो है 1 घंटे
कहीं ला रखी रुकी पड़ी है कहीं, पता नहीं कहाँ रुकी है, एक घंटे से रुकी है। हम सबकी नींद हराम करने वाला ये शख्स अभी तक सो रहा है, आप बोलो तो इसकी नींद हराम कर दिया जाए, कर दिया जाए, बताइए, छोड़ दिया जाए या उसको उठा दिया जाए। और महारानी तो दूसरी भी बाकी है, एक महारानी इस साइड है, इसने मुझे बहुत तंग किया, इसको मैं उठाऊंगा, उठ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों लगभग एक घंटा खड़े होने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है ये अनजान रेलवे स्टेशन से, और मेरे ख्याल से ये कोई रेलवे स्टेशन है नहीं, इसको बनाया जा रहा है, और आगे लाइन क्लियर नहीं था इसीलिए ट्रेन को रोका गया था। तो अभी फिलहाल पहुंच चुका है समस्तीपुर जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है SPJ। समस्तीपुर से अभी डिपार्चर हुआ नहीं, जैसे डिपार्चर होगा हम आपको दिखाएंगे। समस्तीपुर का जो रेलवे स्टेशन है कुछ इस प्रकार से ही है, देखो अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। तुम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे होता ना, कहाँ पहुँचे गए, अभी ट्रेन में है ना, है ट्रेन में है, अभी समस्तीपुर पहुँच गए ना, अभी हम पहुँच चुके हैं समस्तीपुर। चलो बाहर का व्यू दिखाते हैं समस्तीपुर जंक्शन कैसा है, और उसके बाद पहुँचेंगे दरभंगा ना, समस्तीपुर के बाद सीधा दरभंगा। तो दोस्तों कुछ ही देर बाद हमारी जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है दरभंगा जंक्शन, और देखो दो तीन जो पैसेंजर थे वो पहले ही गेट पर खड़े हो गए सामान लेकर के, क्योंकि ट्रेन का हॉल्ट 5 मिनट ही है और वो जयनगर तक जाती है, तो जिनको जिनको दरभंगा उतरना होता है वो पहले ही अपना सामान लेके आ जाते हैं। और ये देखिए हमारी जो ट्रेन है वो दरभंगा जंक्शन पहुंच चुकी है, और हमारी ट्रेन लगाई जा रही है दरभंगा के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और ये देखिए 3 नंबर पे ऑलरेडी लगी पड़ी है बिहार संपर्क क्रांति, जो कि हमसे पहले पहुंच गई, इसका टाइमिंग है 9:30 बजे सुबह पहुँचा। हम फटाफट निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से बाहर अपना बस स्टैंड के पास, ये हमारी बस है जो हमारे गांव को जाएगी। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और बाय।